गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश के अष्ट विनायक रूपों में से एक है विकट रूप। आइए आज उन्हीं की कथा सुनते हैं। भगवान श्री गणेश का विकट नामक प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वो मयूर वाहन और सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। भगवान विष्णु जब जलंधर के वध हेतु वृंदा का तप नष्ट करने गए थे, उसी समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर पैदा हुआ। कामासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन में गया। वहां उसने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस इसका जप करते करते उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि उसने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अन्न जल तक का त्याग कर दिया था। दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता गया तथा तेज बढ़ता गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब कामासुर ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर ये याचना की, महादेव आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य तथा अपनी भक्ति प्रदान करें, मैं बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हूं। तब भगवान शिव ने उससे कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ तथा देव दुखद वर की याचना की है, तथापि मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। महादेव के मुख से सुनकर कामासुर प्रसन्न होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास लौट आया तथा उन्हें शिव दर्शन और वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। उस समय समस्त दैत्यों के समक्ष शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्यों का अधिपति बना दिया और सभी दैत्यों ने उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रतिद नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसने रावण, शंबर, महिष, बलि और दुर्मद को भी अपनी सेना का प्रधान बनाया। उस महासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। फिर वो स्वर्ग पर चढ़ दौड़ा। इंद्रादि देवता उसके पराक्रम के आगे नहीं ठहर सके, सभी उसके अधीन हो गए। वर के प्रभाव से कामासुर ने कुछ ही समय में तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो गए। चारों तरफ झूठ और छल कपट का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता, मुनि और धर्मपरायण लोग अतिशय कष्ट पाने लगे। फिर महर्षि मुद्गल की प्रेरणा से समस्त देवता और मुनि मयूरेश क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर मयूर वाहन भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। तब देवताओं ने कहा, प्रभु हम सब कामासुर के अत्याचार से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब तथास्तु कहकर भगवान विकट वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ ही समय पश्चात मयूर वाहन भगवान विकट ने देवताओं के साथ कामासुर के नगर को घेर लिया। कामासुर भी दैत्यों के साथ बाहर आया और फिर उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। उस भीषण युद्ध में कामासुर के दो पुत्र शोषण और दुष्पूर मारे गए। भगवान विकट ने कामासुर से कहा, हे दैत्य, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्रोह छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर कामासुर ने क्रोधित होकर अपनी भयानक गदा भगवान विकट की ओर फेंकी। वो गदा भगवान विकट का स्पर्श किए बिना ही पृथ्वी पर गिर पड़ी और इधर कामासुर मूर्छित हो गया। उसके शरीर की सारी शक्ति जाती रही। उसने सोचा, इस अद्भुत देव ने जब बिना शस्त्र के मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी है, तब अगर ये शस्त्र उठा लेंगे तो मेरा क्या होगा। ये सोचकर वो अंत में भगवान विकट की शरण में आ गया। तब मयूरेश भगवान विकट ने उसे क्षमा कर दिया और वो पाताल लोक को लौट गया। देवता और मुनि भय मुक्त हो गए और सर्वत्र भगवान विकट की जय जयकार होने लगी। गणपति बप्पा मोरया। मैं हूँ हिमांशु शर्मा और अष्ट विनायक गणपति के प्रत्येक रूप की कहानी लेकर मैं आऊंगा इस गणेश उत्सव में हर रोज। आप बस जुड़े रहें
एस्ट्रोलॉजिक के साथ सभी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।